चैनल ने लास्ट 28 डेज में $488 से लेके $7.8 तक अर्निंग की, जो कि इंडियन करेंसी में 648385 रुपीज़ होते हैं। और इस चैनल ने $184 से लेके $2.9 तक अर्निंग की, जो कि इंडियन करेंसी में 241,000 रुपये तक होते हैं। और इसी चैनल ने लास्ट 28 दिन में $237 से लेके $4,000 से तक अर्निंग की, जो कि इंडियन करेंसी में 365,752 रुपीज़ होते हैं। सुगज, आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रकार के सॉन्ग को लोफी में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड करके लाखों रुपए कैसे कमाए बिना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक के। अगर आप कभी यूट्यूब पर सर्च करते हो ये सॉन्ग राम सिया राम, तो आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है और वहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे लोफाई सॉन्ग्स मिलेंगे, जिन पे अगर आप व्यूज़ की तरफ फोकस करोगे तो गाइस मिलियन में व्यूज़ आए हुए हैं, और सब्सक्राइब देखोगे तो अच्छे खासे सब्सक्राइब भी है इनके। देखो गाइस, अगर आप भक्ति से रिलेटेड सॉन्ग डालते हो या फिर किसी भी बॉलीवुड किसी भी सॉन्ग किसी प्रकार का सॉन्ग डालते हो, तो आज सेम प्रोसेस है सब में। आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑडियो एडिट कर सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करके कैसे लाखों रुपये कमा सकते हो सॉन्ग डाल के, वो भी बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। आपको एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे चैनल शेयर कर रहा हूँ, इन पे गौर से फोकस करना। यहाँ पर देखो, इस चैनल को उस पर 40 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब गेन हो चुके हैं, और इनकी भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो यही सॉन्ग की है राम सिया राम, जिस पर 4 मंथ में 4.3 मिलियन व्यूज़ गेन किए हुए हैं। और इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना भी नहीं करना पड़ा है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक को यूज़ किया गया है। इस ट्रिक को मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। बस इस प्रकार आप भी लोफाई सॉन्ग बनाकर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो आपको सबसे पहले मैं सॉन्ग कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, लोफाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वीडियो एडिटिंग बताऊँगा, और उसके बाद आपको लाइव यूट्यूब पर अपलोड करके दिखाऊँगा बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो चलते हैं लास्ट प्ले। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज, आपको जो भी वीडियो ऑडियो एडिट करना है उस ऑडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, देन उसके बाद लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सॉन्ग्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं एक सॉन्ग को यहाँ पे ले लेता हूँ। सो गाइज, मैंने इस वाले सॉन्ग को यहाँ पे ओपन कर लिया है। देन उसके बाद थोड़ा बहुत ये लोड लेगा और जो हमारा सॉन्ग का प्रोसेस है वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। देन उसके बाद हमें करना क्या है, अब मैं जो आपको सेटिंग बताने वाला हूँ उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 3-डॉट आइकन पे क्लिक करना है। देन एक इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पिच, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको +1 कर लेना है। मैंने ये सेटिंग पहले से कर रखी है, तो आपका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि बाद में आप आसानी से कर ले। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देन अप्लाई करने के बाद ये आप थोड़ा बहुत लोड लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो चुका है, उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 3-डॉट आइकन पे क्लिक करना है और इफेक्ट वाले एक्शन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको चेंज टेम्पो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन इसको -4 कर लेना है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको अप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे ये फिर से थोड़ा बहुत लोड लेगा। देन ये सक्सेसफुली तरीके से अप्लाई हो जाएगा। फिर 3-डॉट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाना है। देन नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ब, इस पर क्लिक करके इस वाली सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी प्रकार आपको करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये कुछ ही समय में या फिर से टाइम लेगा और फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फिर से अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद हमें 3-डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले सेक्शन पे फिर से जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इक्वलाइजर और एम्पलीफायर। देन गाइस, इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, बाकी आप अपने सॉन्ग के हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपका सॉन्ग सही है, तो यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं, बाकी एडजस्ट करके अप्लाई कर देना है। सो गाइस, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेव करना है। देन यहाँ पे आपको MP4 में, ये MP यहाँ पे काफ़ी सारी मिलेगी, MP3 में आपको ले लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो सॉन्ग का नाम है वो यहाँ पे चेंज कर लेना है, ताकि सेम सॉन्ग वहाँ पे नेम रहेंगे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेना है, आप जो भी नाम रख सकते हो यहाँ पे रख के चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये वाली इमेज डाउनलोड करने लिए है। देन ये वाली इमेज आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे हमें चलना है पिक्सलैब एप्लीकेशन में, जो कि हमें एक थंबनेल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम पिक्सलैब एप्लीकेशन में आ चुके हैं। इस वाली एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इस टेक्स्ट को यहाँ पे आपसे डिलीट कर देना है। 3-डॉट पे फिर से क्लिक करना है।
इमेज साइज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल करके ओके कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गैलरी में से आपको अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे ले लेनी है। देन इसको इतना रहने देना है, जो एडजस्ट पिक्सलाइव करता है उसी प्रकार रहने देना है। देन ओके कर देना है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ए वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यानी टेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट को ले लेना है। देन इसके बाद एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लिखना है राम सिया राम, तो यहाँ पे राम सिया राम, तो इसको लिखने के बाद ओके कर देना है। देन इसके बाद हमें एक फंट लेना है, यहाँ से चेंज करना है फंट स्टाइल को। उस यहाँ पे आपको एक फंट स्टाइल देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाली फंट स्टाइल ले लेता हूँ इनमें से। देन ये वाली फंट स्टाइल काफ़ी बेस्ट लग रही है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें इसको बड़ा करना है, देन इस प्रकार यहाँ पे रख लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और जो स्टॉक विथ है उसको कम से कम 2 कर लेना है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। देन इस टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन कर लेना है ताकि ये अच्छे से दिख सके। देन उसके बाद हमें यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज इमेज का क्लिक करना है और यहाँ से आपको अल्ट्रा पे सेव करना है ताकि HD में ही सेव हो। देन उसके बाद हमें सेव कर लेना है। सो गाइस जैसे ही हमारी जो इमेज है वो गैलरी में सेव हो जाएगी, देन उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन को यूज करना है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन का नाम है Lightroom। देन इससे हमारी इमेज में जो थोड़ा बहुत है वो फिल्टर लगाना है ताकि अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे Lightroom को हमने ओपन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो गैलरी की सारी फ़ोटो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर इस वाली एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्सलैब पे जाना है और जो हमने जो एक्सपोर्ट की थी वो यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगी। देन उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे एडिट वाला सेक्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और जो इसका जो लाइट है उस पर क्लिक करना है। इसको आपको इंक्रीज कर लेना है, किसी को डाउन कर लेना है, इस प्रकार से आपको करना है। तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। देन जो कॉन्ट्रास्ट है इसको मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ, ज़्यादा कर लेता हूँ। इस प्रकार आपको कम ज़्यादा करके देख लेना है, आपको जहाँ पे बेस्ट लगे वहाँ पे आपको अच्छा छोड़ देना है। शेडो को मैं देख लेता हूँ इस प्रकार से। देन इस प्रकार से आपको कम ज़्यादा करके यहाँ पे देख लेना है ताकि जो अच्छा लगे उसी को आपको फिर सेट कर लेना है। उसके बाद कलर वाले एक्शन पे जाना है, देन नीचे नीचे जाना है, देन स्ट्रेस को यहाँ पे बढ़ा देना है और जो है वेबरेंस इसको भी आपको बढ़ा लेना है इतना। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो HD क्वालिटी में और बढ़िया लगने लग चुकी है। देन उसके बाद हमें यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेव टू कॉपी कर लेना है। तो इसे ये सेव हो जाएगी, तो कुछ वे समय लेगी, देन यहाँ पे ये गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस ये गैलरी में सेव हो चुकी है। अब उसके बाद हमें वीडियो को एडिट करना है। तो वीडियो एडिट करने के लिए हम ऐप का जो यूज़ करने वाले हैं वो है InShot। आप चाहे तो काइन मास्टर में भी एडिट कर सकते हो या फिर InShot में भी एडिट कर सकते हो, दोनों में सेम प्रोसेस रहेगी। देन गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे InShot में आपको आना है। अगर आपके पास InShot का ऐप का लिंक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे वीडियो आइकन पे क्लिक करना है, न्यू हमें लेना है और जो हमने जो वहाँ से एक्सपोर्ट की थी Lightroom से वो वाली इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। देन इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ये ओके हो जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, सो गाइस जैसे आप यहाँ पे इमेज ले लोगे देन इस वाली इमेज की साइज को यहाँ पे बढ़ा लेना है, जितना आपका सॉन्ग है उस साइज पे यहाँ पे कर लेना है उस प्रकार। तो यहाँ पे मैं कम से कम 3 मिनट तो कर ही लेता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट का हो चुका है, 3.5 मिनट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सॉन्ग का अपलोड ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आपको जो अपना सॉन्ग एक्सपोर्ट किया था वहाँ से Lexus ऑडियो एडिटर से, तो वो वाले सॉन्ग को यहाँ पे ले लेना है। तो वो वाला सॉन्ग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो गाइस उस सॉन्ग को मैंने इस नाम से ऐड किया था, राम सिया राम, तो ये वाला सॉन्ग है हमारा यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉन्ग को इसको कट करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्ले कर लेना है ताकि ये, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग को थोड़ा सा कट करना है जहाँ पे सॉन्ग का इंट्रो रहता है। तो ये इंट्रो है यहाँ तक, तो इस सॉन्ग को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस सॉन्ग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट में कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको करना क्या है,
तो इस सॉन्ग को हमें यहाँ तक कट कर लेना है जहाँ तक कि वो बोलना स्टार्ट ना करे, जो टून है वो हट जाए, ताकि हमें जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो थोड़ा बहुत हमें वहाँ से चांस मिल सके। देन उसके बाद यहाँ से मैंने बिल्कुल कट कर दिया। देन लास्ट में जाना है, लास्ट में एंड में सॉन्ग के यहाँ पे ये थोड़ा लेयर छोटा पड़ रहा है, तो इसको हमें यहाँ से फिर से बढ़ा लेना है, सॉन्ग के बराबर कर लेना है, ये इतना ज़्यादा हो चुका है। देन म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ तक हमारा म्यूजिक है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ म्यूजिक पास्ट एक्स्ट्रा रहता है, तो आप उसे भी यहाँ पे हटा सकते हो ताकि टून हो, तो यहाँ पे आपको क्या है सॉन्ग एडिट हो जाता है। तो मेरा सॉन्ग यहाँ तक कि इसके बाद जो एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया। देन उसके बाद इस पर क्लिक करना है और इस पर करके इसको डिलीट कर देना है, तो ये सॉन्ग के बराबर लेयर हो चुकी है। देन उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें एक और सॉन्ग ऐड करना है। अगर आप देखो मल्टीपल सॉन्ग यूज़ करते हो तो आपके बहुत कम चांस होते हैं कि आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़े। अगर आप एक ही सॉन्ग यूज़ करेंगे तो आपको हो सकता है कॉपीराइट का सामना करना पड़ सके, इसलिए एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने जो सॉन्ग है उसको आधा एडिट तो कर ही लिया है, तो आपको बहुत कम चांस रहेंगे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ सके। तो इसके लिए आपको एक म्यूजिक सेक्शन पर जाना है, एक म्यूजिक ऐड कर लेना है जो कि म्यूज़िक का नाम है रैन साउंड इफेक्ट। ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, आप या आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं रैन साउंड। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको ऐड कर लेना है। देन इसकी जो वॉइस है वो यहाँ पे आपको 50% ही कर लेनी है, यहाँ 50 कर लेनी है, उसके बाद इन्हें सेव कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना सॉन्ग। उसके बाद हमारा ये सॉन्ग ऐड हो चुका है, उसके टिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो अपने थंबनेल में, तो यहाँ पे आप चाहो वो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छे फ़िल्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, AI फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ से भी आप कोई सा फ़िल्टर लगा सकते हो आप अपने थंबनेल्स में। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अच्छा कोई फ़िल्टर होगा तो लगाएंगे, तो ये वाला फ़िल्टर हमें लगा लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक और फ़िल्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर लगा सकते हो या फिर आप ये वाला फ़िल्टर भी लगा सकते हो, इसमें ठीक नहीं रहेगा, आपको ये वाला फ़िल्टर लगा लेना है ये वाला। देन इसको यहाँ पे आपको कर देना है ओके, और इसको आपको कर देना है म्यूजिक के एंड तक। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक के एंड तक कर देता हूँ, जहाँ तक कि हमारा सॉन्ग है वहाँ तक आपको एंड कर देना है इस वाले इफ़ेक्ट को। देन इस इतना करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, टिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहे जैसी कैटेगरी रख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 120 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है ताकि फटाक से हो जाए यहाँ से सेव। तो यहाँ पे ये हमारा सेव होने लग जाएगा, इस प्रकार ये थोड़ा बहुत लोड लेगा, देन यहाँ पे ये सेव होने लग जाएगा अपनी गैलरी में। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है वो सेव होने लग गया है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। सो गाइस जैसे आपका सॉन्ग है वो सेव हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड ए वीडियो करके कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे मैंने अपना सॉन्ग है वो अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं म्यूजिक ऑडियो वीडियो के सेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो सॉन्ग है वो यहाँ पे ले लिया है। सो गाइस इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने जो सॉन्ग है वो एक दिन पहले ही यहाँ पे अपलोड कर दिया था आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है, देन यहाँ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना ही कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला है। मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाके दिखा देता हूँ, इस पर कोई भी कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिला है, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिला है और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में, देन यहाँ पे मैंने ये सॉन्ग अपलोड किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शंस नॉन, यानी मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना ही कॉपीराइट क्लेम कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और आप इस प्रकार सॉन्ग अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिएगा जिसपे 35 व्यूज़ भी आ चुके हैं। ये मेरा बहुत पुराना चैनल है, तो मैंने इसमें बहुत कम वीडियो डाली है बहुत दिनों बाद। यहाँ पे देख सकते हो 441 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसके बाद आज वीडियो डाली है, कल वीडियो डाली है, तो यहाँ पे 35 व्यूज़ आ चुके हैं। सो गाइस और व्यूज़ कैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं व्यूज़ किस प्रकार से आए हैं।
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो व्यूज़ है वो ब्राउज़र फ्यूचर से आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं इस पर। तो गाइस इस प्रकार आप यहाँ पे जैसे एक दो वीडियो डालोगे तो आपकी वायरल पक्का हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सॉन्ग डाल सकते हो, कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना ही कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा। सो गाइस आज की वीडियो बात इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।